Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, पिछली क्लासेज में मैंने आपको keep on, go on और remain के बारे में बताया था, past indefinite tense के sentences में कैसे इस्तेमाल करते हैं. ठीक है friends, तो आज हम सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में डिड नथिंग बट का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि डू डज नथिंग का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं, और ठीक वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में भी करेंगे डिड नथिंग बट का इस्तेमाल. बस सेंटेंस पास्ट में हो जाएगा, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट में होता था, अब यह पास्ट में हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सीखते हैं. जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ कि वह खेलता ही रहा, वह खेलता ही रहा. इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वह खेलता रहा और खेलता ही रहा. आप बोलेंगे कि अब इसमें क्या फ़र्क है, खेलता रहा या खेलता ही रहा? फ़र्क है फ्रेंड. इसके लिए तो इंग्लिश भी अलग अलग तरीके से बनाते हैं, इसका दोनों सेंटेंसेस के अर्थ में फ़र्क है, इसलिए हम इसका इंग्लिश भी अलग तरीके से बनाते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, वह खेलता रहा और वह खेलता ही रहा, दोनों में फ़र्क है. वह खेलता रहा मतलब खेलता रहा, लेकिन खेलता ही रहा मतलब कुछ और नहीं किया, बस खेला. वो खेलने के अलावा और कुछ नहीं किया, सिर्फ खेला. तो वह खेलता ही रहा. ही डिड नथिंग बट प्ले. सिंपल फ्रेंड. अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा वीडियो देखा होगा आपने, तो उसमें डू डज नथिंग का जो मैंने इस्तेमाल बताया है वो वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो इसमें भी आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत ही सिंपल है. ही डिड नथिंग बट प्ले. वे लोग पेड़ काटते ही रहे. वे लोग पेड़ काटते ही रहे मतलब वो लोग पेड़ ही काटते रहे, दिन भर सुबह से लग गए थे शाम तक वो पेड़ ही काटते रहे और कुछ नहीं किया उन्होंने. इस तरह का सेंटेंस का ये अर्थ होता है, इसलिए हम इसका इंग्लिश अलग तरीके से बनाते हैं. दे डिड नथिंग बट कट द ट्री. अभी हम द क्यों यहां पर लगाए, वो तो मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि द का इस्तेमाल हम कब करते हैं और कहाँ करते हैं और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं. यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर पेड़ की बात कर रहे हैं, इसलिए हम द का इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, वह गीत गाता ही रहा. वह गीत गाता ही रहा. ही डिड नथिंग बट सिंग सॉन्ग. ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम डिड नथिंग बट का इस्तेमाल करते हैं. अब यहाँ पर हमने दूसरा फॉर्म मतलब वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है वो नहीं लिखा है हमने. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिड लगा दिया है हमने, सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे लग चुका है, इसके लिए हमने यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रखा है. ठीक है फ्रेंड्स, ये ज़रा आप समझना, काफ़ी लड़के इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं. डिड नथिंग बट यहाँ पर कन्फ्यूज़ होता है कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगेगा कि फर्स्ट फॉर्म लगेगा. बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होना, जब भी जिस सेंटेंस में भी आपने डिड देखा है उसमें फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा. ठीक है फ्रेंड, अभी हम इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड देखेंगे एक एक करके. इंट्रोगेटिव लेते हैं कि क्या वह खेलता ही रहा, क्या वह खेलता ही रहा. तो डिड ही डू नथिंग बट प्ले.
डिड ही डू नथिंग बट प्ले, यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस में हम यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर डू क्यों लगाया। तो यहाँ पर डिड यानी कि ये फार्मूला में शामिल है कि जब भी हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस को बनाते हैं तो डिड लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में, और यहाँ पर डू का मतलब करना, कि मतलब क्या उसने कुछ और नहीं किया बस खेला। अब जैसे क्या वे लोग नहाते ही रहे, क्या वे लोग नहाते ही रहे, तो डिड दे डू नथिंग बट बाथ, डिड दे डू नथिंग बट बाथ। अब हम क्वेश्चन वर्ड लेते हैं से कि तुम खेलते ही क्यों रहे, तुम खेलते ही क्यों रहे सारा दिन, क्या तुम्हारे पास कुछ और काम नहीं था कि सारा का सारा दिन तुमने खेलने में गुजार दिया। मीन्स खेलते ही रहे, कुछ और नहीं किया, इसका मतलब ये होगा कि तुम क्यों खेलते ही क्यों रहे। तो व्हाई डिड यू डू नथिंग बट प्ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम डिड नथिंग और बट का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही सिंपल है, अगर आप रेगुलर वीडियो हमारा देख रहे होंगे तो आपको सब कुछ समझना एकदम आसान हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और सारा कन्फ्यूजन और कंसेप्ट जितना अभी तक क्लियर हो गया होगा कि नथिंग डिड नथिंग बट का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं, और इसमें इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंस जब होंगे तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे, ये आपको समझ में आ चुका होगा अच्छी तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।